को जी मैम, बात आ रही है? अच्छा, अभी स्टूडेंट्स काफी कम है, उनको ग्रुप में लिखते हैं ताकि जल्दी लेक्चर खत्म हो जाए। आपकी सिर्फ दो ड्रग उसमें रह गई, एक क्विनोलोन्स है और दूसरा मैक्रोलाइड्स है। मैक्रोलाइड्स और क्विनोलोन्स आज पाई के उसके बाद खत्म हो जाएगा। जो आपका वाइवा होगा वो इंट्रोडक्शन टू एंटीबायोटिक्स, उसमें एमाइनोग्लाइकोसाइड्स, टेट्रासाइक्लिन ऑनवर्ड जो हमने ड्रग्स पढ़ी है वो सारी शामिल होंगी। ठीक है, मेरे ख्याल में लेक्चर 15 ए और बी दो एलिमेंट्स पर अपलोड है। 15 बी जो है वो इंट्रोडक्शन टू एंटीबायोटिक्स है और ए जो है वो एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स का कुछ पार्ट है, वो एक ही दिन पढ़ा था। तो इंट्रोडक्शन टू एंटीबायोटिक्स से लेकर आज तक के लेक्चर तो जितना ही आपके उसमें शामिल है वाइवा में, कोशिश करें थोड़ी सी बुक रेफरेंस बुक पढ़ लें और अच्छी तरह से स्लाइड्स पढ़ लें। ठीक है, और इतना ज्यादा कोर्स नहीं है क्योंकि मैं चाह रही थी कि शुरू का भी थोड़ा सा क्विज से क्विज वाला कोर्स भी शामिल करें, लेकिन सब स्टूडेंट्स ने कहा कि हमारे और भी बहुत सारे वाइवास चल रहे हैं, लेकिन ये फिर आप अच्छा वाइवा दीजिएगा। मैं आपको मंडे को बता दूंगी इसकी डेट के कब होगा आपका वाइवा। ओके मैम, प्लीज सर मैसेज कर दे ताकि जल्दी स्टूडेंट्स आ जाएं। जी बोले मैम, वो प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट आप चेंज नहीं कर सकती हैं मैम, क्योंकि स्टूडेंट्स कहते हैं कि टाइम नहीं है और वाइवा सिलेंडर, उसके बाद मुझे नहीं पता कि आप लोग के फाइनल और वाइवा के दरमियान कोई टाइम पीरियड होता है कि नहीं होता। तो फिर इस वजह से मैंने ये सोचा था कि जो वाइवा है वो आपका 15% हो जाएगा 10% की जगह, और 5-5% के दो टेस्ट हो जाएंगे। एक टेस्ट या तो आप डिसाइड कर लें, आप लोग का कुछ लोग कहते हैं हमारी स्पॉटिंग भी है, कुछ लोग कहते हैं हमारा वाइवा भी आ गया, एक डे डिसाइड कर लें जिसके अंदर एंटीबायोटिक्स बिफोर वाइवा आप मुझे दे दें ताकि ये तैयार भी हो जाए आपका। ऑनलाइन भी बेशक दे दें, ठीक है, क्विज क्विज की तरह या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एक में डाल दूंगी, उसमें 10 मार्क्स और 10 या 15 मार्क्स के क्विज एमसीक्यूज होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दो होंगे, या 5 मार्क्स या 10 मार्क्स के, और ज्यादा एमसीक्यूज होंगे।
डे आप लोग डिसाइड कर लें सारे उस बैच से भी पूछ लें कौन सा दिन है बिफोर वाइवा दिन ताकि फायदा हो आप भी पढ़ेंगे साथ तैयार हो जाएगा वाइवा भी आपका ठीक है तो मैंने कहा था बेशक आप संडे रखिए अब आई डोंट नो संडे पर मैं थोड़ा बिजी थी सुबह से तो मैंने देखा नहीं है आप लोग कुछ डिसाइड कर ले कौन सी डेट आफ्टर फ्राइडे जो अब आज सैटरडे है ना फ्राइडे सैटरडे संडे इनमें से कौन सा दिन रखे जो आपको सिलेबस वही होगा जो वाइवा का होगा आपका और ये जो एंटीबायोटिक्स वाले ठीक है ये पूरा पोर्शन है एंटीबायोटिक्स और जिसमें सल्फोनामाइड्स वगैरह पर ही है और इसमें सारा लेक्चर 15 से लेक्चर 19 15 भी आता है बी पार्ट है उसका और 19 तक उसके बाद आपका एक रह जाएगा और टेस्ट वो 5% उसकी परसेंटेज लग जाएगी वाइवा की आपकी फिर 15 हो जाएगी परसेंटेज ठीक है मिक्स की मिक्स की तो आप लोग को अच्छा नहीं तो हुआ था मिक्स नीट में एमसीक्यू में बहुत अच्छे लेकिन कोई बात नहीं आपका जो पहले असाइनमेंट थी वो भी 10% रखी गई थी और फिर भी 5% था जिसमें काफी बच्चे सारे पास थे मिक्स का तो आपका 20% थी ना मिक्स की परसेंटेज वो अगर कम कर देंगे तो फिर कैसे होगा वाइवा की आप पूछ लोगे चले देखते हैं अगर वाइवा की वो बड्डे को सारा पूछ कर फिर आपको बता दूंगी क्या डेट्स है क्या परसेंटेज अपलोड कर दूंगे अभी आप इसकी तैयारी करें ताकि वो टेस्ट भी दे ले और वाइवा भी दे ले इतना थोड़ा सा थोड़ा ही वाइवा बिल्कुल 6% ज्यादा होगी तो आप अच्छे नंबर आएंगे तो क्योंकि थोड़ी कोर्स है थोड़ा कोर्स करना आसान है अभी आप देखिए मैम अब क्विज दो होंगे या एक ही होगा क्विज दो होंगे एक एंटीबायोटिक्स का और एक जो एंटी प्रोटोजोअल फंगल और वायरल ड्रग्स रेजेंडी फिर जैसे पहले पड़ी थी उन दोनों की परसेंटेज इसकी और उसकी 5% होगी अब रहेगा 5% वो या तो आप लोग 5% को अकोमोडेट कर ले वाइवा के अंदर 15% का वाइवा देती रख लें या फिर वो 5% जो है वो इस वाले या उस वाले टेस्ट में रख लें ताकि आपके वो 5% भी कंपनसेट हो जाए मुझे लगता है कि कुछ लोग ने सुना है अभी मुझे यहाँ का आइडिया नहीं कि वाइवा के अंदर ना वो कह रहे हैं कि परसेंटेज ज्यादा होती है तो मैं मंडे को यहाँ को है आपकी वाइवा की कितनी परसेंटेज है बाकी सब्जेक्ट्स में लेकिन एक टेस्ट आपका रह जाएगा तो आप वैसे दे दीजिएगा ठीक है अगर 20% वाइवा की रखी क्योंकि मैं पूछना चाहता हूँ मंडे को आपको बता दूंगी ठीक है ओके मैम अभी स्टाफ नहीं है कोई भी नहीं ऑफिस में तो फिर आज ऑफ है आप लोग को ऑन कैंपस कब शुरू होगा अपलोड होंगे क्विज के मिड के मिड तो मैं इंतजार कर रही हूँ कि आप लोग मंडे को आकर अपना बिजनेस आखिरी दफा देख लें अपना देख लें क्योंकि मंडे को भी कुछ स्टूडेंट है क्या हमें पहले दिखा दें ई बैच में ना और यहाँ मैं वेट कर रही हूँ देखने वो देख लें उसके बाद अपलोड कर दूंगी चेक में तो काफी अच्छा होगा उसको पढ़े हुए
Pharmacokinetics. More active against gram-positive organism, although gram-positive के लिए सब effective है, लेकिन gram-negative के लिए against बहुत active है ये drug, ये group जो है. Their overuse has already led to the emergence of resistant strain, resulting in limitation to their clinical usefulness. जो बार-बार इसको use किया जाता है जगह पर, तो उससे क्या होता है कि इसकी कुछ जो bacteria strain है वो रेजिस्टेंट हो चुके हैं इस ड्रग्स के अगेंस्ट. ऐसे मैकेनिज्म प्रोड्यूस कर रही हैं जिनकी वजह से क्विनोलोन जो है वो बैक्टीरिया के अंदर एंटर नहीं होता, उसकी किलिंग नहीं कर पाता. पेरेंट ड्रग इस ग्रुप की जो है वो नैनीडॉक्सिक एसिड है. माइकॉनिक माइक बंद कर दे. अच्छा, the fluoroquinolones enter the bacterium. ये इसका mechanism of action है. वायरा में आपसे पूछा जा सकता है ड्रग्स का mechanism of action, उनके uses, उनके adverse effects, उनका mechanism, side effects, इस तरह के questions छोटे छोटे पूछे जाएंगे. Fluoroquinolones enter the bacterium by passive diffusion through water-filled protein channels, porions. ये porions के through जो है वो enter होते हैं in the outer membrane. ये जो porions हैं water channels, इन्हीं के अंदर mutation आ जाएगी तो जो है वो bacteria enter ही नहीं होने देगा quinolones को. They inhibit the replication of bacterial DNA by interfering with the action of DNA gyrase. DNA gyrase bacterial enzyme है. उस gyrase की वजह से DNA gyrase है topoisomerase 2 enzyme है. basically दो enzyme है bacteria के, topoisomerase 2 और 4. तो ये जो DNA gyrase करते हैं topoisomerase 2 से. तो जब bacteria जो enzyme जो है वो help करता है bacteria के माइक ऑफ कर दें. डीएनए गाइडेंस एंजाइम जो है बैक्टीरिया का ही हेल्प करते हैं बैक्टीरिया की रेप्लिकेशन और उसकी सेल डिवीजन के अंदर बैक्टीरिया की. तो जो फ्लोरोक्विनोलोन्स है उनका टारगेट डीएनए गाइडेंस वो एंजाइम है जो टोपोआइसोमेरेज 2 के साथ बिलोंग करता है. और टोपोआइसोमेरेज 4 एक और एंजाइम है बैक्टीरिया का, इन दोनों को अफेक्ट करता है ताकि ना उसकी रेप्लिकेशन हो और ना सेल डिवीजन हो. तो फ्लोरोक्विनोलोन्स का मैकेनिज्म है. अगर पूछा जाए मैकेनिज्म तो आगे सीधा बताना कि डीएनए गाइडेंस एंजाइम जो है बैक्टीरिया का उसको अफेक्ट करेगा फ्लोरोक्विनोलोन्स. अभी भी किसी का ऑन है. Binding of the quinolone to both the enzyme and the DNA forms a ternary plex that inhibits. अच्छा ये जो इसमें रीसेटिंग स्टेप है बाय इंट्रोड्यूसिंग क्लीवेज ऑफ द डीएनए.
माइक ऑफ कर दें। अच्छा डीएनए जायरेज जायरेज इसको वैसे पढ़ते हैं, बिकॉज डीएनए जायरेज इज अ बैक्टीरिया स्पेसिफिक टारगेट फॉर एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। ये डीएनए जायरेज जो एंजाइम है इसको इनहिबिट करेगा, इसको इसकी ब्रेक कर देगा फ्लोरोक्विनोलोन्स। द सेकेंड साइट जहाँ पे ब्लॉकेज होगा वो टोपो आइसोमरेज 4 है, ये भी बैक्टीरियल एंजाइम है। जब इन दोनों की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी तो बैक्टीरिया जो है वो रेप्लिकेट नहीं करेगा और सेल डिवीजन नहीं करेगा। बेसिकली जो टोपो आइसोमरेज 2 और 4 है ये क्या करते हैं, सुपर कॉइलिंग करते हैं। अगर आपने कभी देखा हो तो डीएनए जो होता है वो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जिग जैग की शक्ल में होता है। दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में बाइंड कर रही होती है और जब वो न्यूक्लियोटाइड एक सर्कल बना देंगे तो उसको कॉइलिंग कर देंगे, और सुपर कॉइलिंग जो है वो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये जो एक शेप में आ जाता है ऐसे ऐसे, यानी सारी यहाँ से टाइड्स जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स जिनसे डीएनए बना हुआ है बैक्टीरिया का वो आपस में इतनी उलझ गए कि वो 3D स्ट्रक्चर बन गया, सुपर कॉइलिंग हो गई उसकी। अब सुपर कॉइलिंग दो तरह से होती है, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग होती है और एक नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होती है। पॉजिटिव ये कि क्लॉकवाइज बनना शुरू हो गया, ये आपस में कॉइलिंग होना शुरू है, और अगर काउंटर क्लॉकवाइज ऑपोजिट डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में क्लॉक घूमती है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेगी तो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होती है। इसके अंदर नेगेटिव यानी लेफ्ट हैंडेड सुपर कॉइलिंग होती है, अगर राइट हैंडेड हो तो पॉजिटिव होगी, लेफ्ट हैंडेड है तो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग कहलाएगी। तो बहरहाल क्लोरोफिनोलोन्स क्या करता है, इस सुपर कॉइलिंग को अफेक्ट करेगा ताकि रेप्लिकेशन ना हो सके। ठीक है, लेफ्ट हाफ ऑफ द सर्कल फोल्ड ओवर द राइट हाफ, ये एक दूसरे पर जो सर्कल बने हुए थे उसके न्यूक्लियोटाइड्स के, अगर आपने डीएनए कभी किसी ने देखा हो तो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, सीधा एक लैडर की तरह का, और जब सर्कल बन जाए तो कॉइलिंग होगी, और ये जो सर्कल के ऊपर सर्कल दो तीन सर्कल इकट्ठे चल गए थे सुपर कॉइलिंग होगी। तो लेफ्ट हाफ ऑफ द सर्कल फोल्ड ओवर द राइट हाफ, बैक हाफ ऑफ द हेलिक्स इज क्लीव्ड, पीछे बैक हाफ तो है और फिर फ्रंट हाफ क्लोरोफिनोलोन्स की वजह से टूट गया। जब ये ब्रेक आ जाएगा उस सुपर कॉइलिंग में तो उसकी वजह से ये जो है जो बैक्टीरिया है वो रेप्लिकेट नहीं कर सकेगा। इसकी एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम ये बता रहा है कि सारे वो जो बैक्टीरियन जिनके ऊपर ये अफेक्ट करेगा उसके अंदर एक तो ये बता रहा है कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट बैक्टीरिया सीडल किलिंग करेगा, जितनी कॉन्सेंट्रेशन की डिपेंडेंट है किलिंग जो है इसकी। इन जनरल दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म, ये सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट भी इफेक्टिव है, ग्राम नेगेटिव के भी, ग्राम नेगेटिव में एंटेरोबैक्टर बैक्टीरिया सुडोमोनास हीमोफीलियस इन्फ्लुएंजा नोरेक्सियाना लेजियोनेला निमोफीलिया, ये लेजियोनेला निमोफीलिया के लिए टग ऑफ चॉइस है। लेजियोनेला निमोफीलिया अगर किसी को याद हो तो ये एसी के पानी से एसी से फैलते एयर कंडीशन से। क्लैमिडिया सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज है, माइकोबैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और बहुत सारे इसकी टाइप्स हैं जिसमें जो माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रा सेल्यूलर कॉम्प्लेक्स, ये जो इसके अलावा बाकी जितने भी माइकोबैक्टीरियम की टाइप्स हैं उनके अगेंस्ट ये इफेक्टिव है फ्लोरोफिनोलोन्स। तो ये सारे वो क्लैमिडिया सुडोमोनास जो वुंड पेशेंट सर्जिकल पेशेंट्स के अंदर होता है बैक्टीरिया ग्रो करता होता है उसके अगेंस्ट फ्लोरोफिनोलोन्स जो है वो इफेक्टिव है। ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये आप याद कर ले तो फिर आगे वाली जो सारा उनका समरी जो है वो इस स्लाइड के अंदर है। यूटीआई इन्फेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लोरोफिनोलोन्स, बैक्टीरियल गैस्ट्रोएंटेराइटिस में बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइफाइड फीवर के अंदर, गोनोरिया के अंदर। अच्छा, सिफिलिस और गोनोरिया दो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल डिजीज है। सिफिलिस जो है वो प्लेडियम ट्रेपोनिमा प्लेडियम के थ्रू फैलता है और जो गोनोरिया है वो गोनोरिया मेनिनजाइटिस के थ्रू फैलता है। तो गोनोरिया जो सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज है जो बर्थ कनाल के थ्रू बेबी में ट्रांसफर होती है उसको ब्लाइंड कर देता है, तो गोनोरिया जो इसके अगेंस्ट ये ड्रग बहुत इफेक्टिव है, लेकिन सिफिलिस के अगेंस्ट ये ड्रग इफेक्टिव है, उसमें पेंसिलिन देंगे फिर। अच्छा, फिर उसके बाद लेप्रेसी ऑस्टियोमेलाइटिस ट्यूबरक्लोसिस इनवेसिव ऑस्टाइटिस मीडिया
हॉस्पिटल रिक्वायर्ड होता है, जब वो पेशेंट हॉस्पिटल में जाते हैं वहां पर वो 48 to 72 आवर्स का स्टे करता है, एडमिशन होता है हॉस्पिटल में, तो चांसेस होते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो उसको जो निमोनिया काज कर दे, जो बैक्टीरिया निमोनिया काज करेगा उस निमोनिया को नोसोक्रोमियल निमोनिया करेंगे। सेप्टिसीमिया, बैक्टीरियल कॉन्जेक्टिवाइटिस, आई इन्फेक्शन, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, सिनसाइटिस, एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स डिजीजेस जो कि ये इसके एंथ्रेक्स जो है बैक्टीरिया था जिसके स्पोर्स जो है वो मेल कर दिए गए थे किसी जगह पर, अभी मुझे सही एग्जैक्ट याद नहीं कि मेल के अगर वो मेल हो जाएंगे जो ये लंग डिजीजेस करता है, लंग को अफेक्ट करता है, और एंथ्रेक्स का एक नाम भी है। नहीं, ये स्पोर्स के थ्रू इनहेल हो जाते हैं जस्ट एंथ्रेक्स के स्पोर है बैक्टीरिया के, और ये स्लॉटर एनिमल्स के अंदर ज्यादा होते हैं, उनकी ऊपर होते हैं ये। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, दे आर इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोनोरिया, ये सारे मुझे बताया गया कि फ्लोरोक्विनोलोन जो है गोनोरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव है लेकिन सिफिलिस के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं। इसमें लेवोफ्लॉक्सासिन जो है ये बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा दी जाती है। उसके अलावा मोक्सीफ्लॉक्सासिन आल्सो हैव गुड एक्टिविटी अगेंस्ट सम ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म सच एज स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया। मोक्सीफ्लॉक्सासिन हैज एक्टिविटी अगेंस्ट मैनी एनएरोब्स, जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती उन बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये मोक्सीफ्लॉक्सासिन जो इम्पोर्टेंट है। लेकिन लेवोफ्लॉक्सासिन तो बहुत कॉमन यूज होती है। अगर आपको कोई पूछ लिया जाता है कि दो चार नाम बता दें क्लासिफिकेशन के, तो आपकी जो स्लाइड में तीन चार नाम है, लेवोफ्लॉक्सासिन हो गया, मोक्सीफ्लॉक्सासिन हो गया, और एक दो आ रही है, तो आपको याद होनी चाहिए कि ये ड्रग्स हैं। Moxifloxacin has activity against many anaerobes. It is used prophylactically before trans urethral surgery. Chloroquinolones जब देते हैं जब UTI infection होगा, और post surgical UTI infection बहुत common है, जब आप urethra pass करते हैं तो उस वक्त infection हो सकता है, तो ये दे देते हैं chloroquinolones. The non-fluoro fluorinated quinolones melidoxic acid जो के parent drug है इस group की is considered to be the first generation. इसकी generation है, इसकी भी जो मैंने नहीं डाली classification थी, first generation, second, third, fourth, third generation. तो first generation में जो है ये melidoxic acid है, with a narrow spectrum of susceptible organism usually confined to urinary tract. तो UTI की infections में ये बहुत ज्यादा use की जाती है quinolones जो है। Ciprofloxacin is can be effective against many systemic infections with the exception of serious infection caused by methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Enterococci, Dubococci against traveler's diarrhea, E. coli जो है वो traveler's diarrhea करता है, जैसे rice water diarrhea भी कहते हैं, बहुत ज्यादा सीवियर डायरिया होता है E. coli जो bacteria करता है, उसके against भी effective है। एंथ्रेक्स के अगेंस्ट इफेक्टिव है, सुडोमोनास एरिडोसा रिपीट हो रहे हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस के अगेंस्ट इफेक्टिव है, और इसको जो लेक्टम ड्रग्स है पेंसिलिन और सिफेलोस्पोरिन जो लेक्टम स्ट्रक्चर ड्रग था, लेक्टम रिंग था जिनमें, उनके साथ देंगे इन ट्रीटिंग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट इफेक्टिव होगी। किसी का कोई क्वेश्चन है? नो मैम। ये सारी रटने वाली ड्रग्स हैं और इनको अच्छी तरह से रट ले, ये सारा रटता है कि कहाँ कौन सी ड्रग यूज हो रही है, यूटीआई के लिए कौन सी यूज हो रही है, कौन सी अच्छी है, आपसे पूछा जा सकता है के यूजेस बता दे, आगे इसके एडवर्स इफेक्ट होगी, रेजिस्टेंस कैसे कर लेता है, बकैरिज्म चार के लिए आपको बहुत अच्छा लगता है, बकैरिज्म रेजिस्टेंस यूजेस एडवर्स इफेक्ट, दैट्स इट। ठीक है, बाकी कार्बोकाइनेटिक्स में देखो बहुत यूनिक बात है, तो है बंदा अब्जॉर्प्शन उसकी एक्सक्रीशन रेडली होगी, वो सब भी तकरीबन एक जैसा होता है। सिप्रोटॉक्सिसिटी जो है इफेक्टिव अगेंस्ट वेरी सिस्टेमिक इन्फेक्शन विद द एक्सेप्शन ऑफ सीरियस इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफिलोकोकस ऑरिस, ये सारी बता दी है। बीटा लैक्टम जो लैक्टम रिंग अगर आपको याद हो पेंसिलिन ड्रग्स और सिफेलोस्पोरिन के अंदर पड़ा था, उसमें कह रहे हैं कि उनके साथ अगर दिया जाए तो ये ट्यूबरक्लोसिस के जो बैक्टीरिया होता है उसके अगेंस्ट भी इफेक्टिव होगी।
इन्फेक्शन हो जाती है मेल्स के अंदर, उनके अंदर ये इफेक्टिव है ड्रग. Levofloxacin is an isomer of ofloxacin, effective for prostate, यानी prostate की जो inflammation हो जाएगी equalize की वजह से, ये sexually transmitted diseases उनके against ये effective है, except syphilis. ये बात याद रखनी कि quinolones का कोई role नहीं syphilis को ठीक करने में. Syphilis अगर आपने पहले Caperiba pallidum से होती है, sexually transmitted diseases है, इसके 3 phases होते हैं. एक शैंकर बनता है, गोमा बनता है, इसमें वो एक खास पिक्चर बनती है पेशेंट के अंदर. पहले वो सिम्टोमेटिक होता है, फिर नॉन सिम्टोमेटिक हो जाता है, फिर सिम्टोमेटिक, फिर और ये जो ये भी न्यूनेटल्स के अंदर ट्रांसफर हो जाती है. इसके न्यूनेट्स के अंदर वो हिचिंसन स्टिक के ऊपर इफेक्ट करती है न्यूनेट्स जो होते हैं उनके. उसके अलावा गोनोरिया, स्किन इन्फेक्शन, एक्यूट सिनुसाइटिस, या आपने वो एक टेबल याद कर लेना जो पहले शुरू में मैंने आपको दिखाया है, तो वो सारा ये लिखा हुआ है, ये वाला जिसके सारे वो सारे यूजेस बताती है. एक्यूट एग्जर्सरबेशन ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया. कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया होता है जब कम्युनिटी के अंदर वायरल हो जाए, वायरस के थ्रू फैले. एज वेल एज नोसोकोवियल, जो कि हॉस्पिटल रिक्वायर्ड होता है कि हॉस्पिटल में पेशेंट गया है, वहां पर वो एडमिट है, वहां से उसे निमोनिया लग जाए, वो बैक्टीरियल होता है. Levofloxacin has excellent activity against respiratory infections due to Streptococcus pneumonia. Levofloxacin जो है वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो हो जाते हैं, अपर ब्रोंकाइटिस वगैरह इन्फेक्शन जो होते हैं उनके अगेंस्ट देते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कॉज करता है बैक्टीरिया जो है. डॉक्सीफ्लोक्सासिन, अब आपको 3-4 ग्रुप की इसकी ड्रग्स पता चल जाएगी, लेवोफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ये डॉक्सीफ्लोक्सासिन, बस ये आपके लिए काफी है, आपको पता होना चाहिए. डॉक्सीफ्लोक्सासिन इज ऑनली not only has it has activity against rare positive organism strep, for example streptococcus pneumonia, but its excellent against anaerobes. It has very poor activity against pseudomonas aeruginosa. Baaki to effective hain baaki members, lekin ye itna effective nahi hai. रेजिस्टेंस इसकी बताई हुई है, ठीक है. जिस तरह डीएनए जाइलेज क्या था, बैक्टीरिया का एंजाइम था, उसके ऊपर फ्लोरोक्विनोलोन्स इफेक्ट कर रहा था. अब ये क्या करेगा, उस अपने एंजाइम के अंदर म्यूटेशन कर देगा ताकि फ्लोरोक्विनोलोन इसकी इफेक्टिव अफिनिटी जो होगी उसके साथ बाइंडिंग जो है वो डिक्रीज हो जाए. Altered target mutations of bacterial DNA gyrules has been associated with a decreased affinity for the fluoroquinolones. Mutations कर रहा है. Type 2, type 4, topoisomerase formula के अंदर ही mutation कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी affinity कम हो जाएगी, drug इतनी effective नहीं रहेगी. Decrease recombination reduce intracellular concentration of drug in the bacterial cell. Bacteria के अंदर जो concentration होगी drug की वो कम हो जाएगी. और आपको पता है कि concentration डिपेंडेंट किलिंग करती है, ये कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है क्योंकि बैक्टीरिया की किलिंग करेगी. डिक्रीज नंबर ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स इन द आउटर जो वाटर वो थे इसके वाटर चैनल थे जिनके थ्रू ये क्विनोलोन्स जा रहा था अंदर बैक्टीरिया के, वहां पर भी उन्होंने अपना म्यूटेशन गलती कर ली कि अब क्विनोलोन्स अंदर जा ही नहीं सकता. उसके अलावा अपने टेट्रासाइक्लिन वगैरह सारी ड्रग्स में ऑलमोस्ट पड़ा कि इसमें पंप्स होते हैं, इसमें पंप से जो होता है बैक्टीरिया जो उसके अंदर म्यूटेशन करेगा ताकि डिक्रीज हो जाए एनर्जी डिपेंडेंट इफ्लेक्स सिस्टम इन द सेल मेम्ब्रेन. वो पंप्स जो होंगे उनकी जीन्स के ऊपर भी म्यूटेशन हो जाएगी ताकि क्विनोलोन्स जो है वो एंटर ही ना हो सके. कोई क्वेश्चन है अभी तक आप लोगों का? नो मैम. फार्माकोकाइनेटिक्स एक एब्जॉर्प्शन, अगर ये ड्रग हम ये सारे लिखे कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन इनके साथ लेंगे तो इसकी जो ड्रग की एब्जॉर्प्शन है वो अफेक्ट हो जाएगी. द इंजेक्शन ऑफ द फ्लोरोक्विनोलोन्स
with sulfates and acids containing aluminium, magnesium, or dietary supplement, iron, zinc can interfere with the absorption of the antibacterial drug. ठीक है, इसके absorption पर अफेक्ट, यानी ब्लड में जो इसकी absorption होती है ड्रग की वो अफेक्टिव होगी, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम जाएगी. Intravenous preparation of ciprofloxacin, levofloxacin, and ofloxacin are available. Intravenously orally दोनों तरह ही administer की जाती है, available है. Fluoroquinolones with the longest half length, levofloxacin and boxifloxacin permit. इनकी जो दोनों dose है, levofloxacin और boxifloxacin, ये once daily dose है इनकी. बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन, यानी जब जब ये प्लाज्मा में जाएगी तो वहां पर ये बाइंड होकर रहती है, फिर प्रोटीन से ये अपने ब्रेकेज करके ये ब्लड के थ्रू जाती है, वापस आती है. तो ये जो बाइंडिंग जब होगी प्लाज्मा की, प्रोटीन जो प्लाज्मा में प्रोटीन है उनके साथ ड्रग बाइंड होकर रहेगी स्टोरेज में, और वो पता रहती है दोबारा से ब्रेक होती है, ये ब्लड के अंदर जाती है, डिफरेंट ऑर्गन्स में जाती है, फिर वापस आती है, बाइंड होती है. तो ये 10-40% इसकी बाइंडिंग होती है. डिस्ट्रीब्यूटेड वेल इन टू द टिश्यूज एंड बॉडी फ्लूइड्स, लेवल्स हाई इन बोन्स के अंदर जाती है, यूरिन में के थ्रू जाती है, किडनी में जाती है, प्रोस्टेटिक टिश्यू के अंदर जाती है, फ्लूइड के अंदर नहीं जाती, प्रोस्टेटिक फ्लूइड के अंदर टिश्यूज में उसके जाती है. एयर कॉन्सेंट्रेशन लंग्स वगैरह में जाती है. पेनिट्रेशन इनटू अच्छा सीएसएफ जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है सीएसएफ पे, वो इसका उसमें लो जाती है, कम जाती है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर, सिवाय ऑफ्लॉक्सिसिन जो है ये जाती है. फ्लोरोक्विनोलोन्स आल्सो कोगुलेट मैक्रोफेजेस, हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स है आपको पता है कि मैक्रोफेजेस है, न्यूट्रोफेज है, बेसोफेज, ईओसिनोफेज, बहुत सारे व्हाइट ब्लड सेल्स है जिसको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं कलेक्टिवली. तो उनमें मैक्रोफेजेस होते हैं जिनके अंदर बैक्टीरिया छुप जाता है, और वो बैक्टीरिया है लेजुडीना निबोफिलिया, ये बैक्टीरिया जो है छुपा हुआ होता है, तो इसको अफेक्ट करती है, जाकर बैक्टीरिया के अंदर दवाई चली जाती है मैक्रोफेजेस के अंदर. उसके अलावा पॉलीबॉक्स न्यूक्लियोन्यूक्लियोसाइट्स जो है ये सारे न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, ईओसिनोफिल्स, ये सारी पॉलीबॉक्स न्यूक्लियोन्यूक्लियोसाइट्स कहते हैं, इनके अंदर भी चली जाती है और रेनल रूट के थ्रू एक्सक्रीट आउट करती है. तो अगर बैक्टीरिया जो है वो छुपा हुआ है मैक्रोफेजेस के अंदर, तो वहां पर डर जाकर उसको पकड़ लेती है और उसको किल करने की कोशिश करती है. एडवर्स इफेक्ट इसके वही हेडेक, डिजीनेस, लाइट हेडेडनेस, एपिलेप्सी पेशेंट्स में कॉशन के साथ देंगे ख्याल से. फोटोटॉक्सिसिटी ये कह देती है, पेशेंट टेकिंग फ्लोरोक्विनोलोन्स आर एडवाइज टू अवॉइड एक्सेसिव सनलाइट. फोटोटॉक्सिसिटी यानी सनलाइट सेंसिटिव जो कर देती है पेशेंट को. उसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉब्लम, ये सारे जो आर्टिकुलर कार्टिलेज इरोजन यानी ज्वाइंट प्रॉब्लम्स कर देती है. ये बताया गया कि एक इमेच्योर एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट हुआ हुआ, उसके अंदर ये देखा गया कि आर्थ्रोपैथी करती है, ज्वाइंट्स की इंफ्लेमेशन करती है. फ्लोरोक्विनोलोन्स जो एडल्ट्स में क्या करेंगे, टेंडन्स जो होते हैं उनको रप्चर कर देते हैं, डिसग्लाइसीमिया कर देते हैं, एबनॉर्मल ब्लड शुगर कर देते हैं. उसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटीज है, जो अगर जैसे पेंसिलिन थी उसके अगेंस्ट भी पेशेंट हाइपर सेंसिटिव हो सकता है, इसके अगेंस्ट भी हो सकता है. उसके अलावा सिफेलोस्पोरिन्स के अगेंस्ट भी पेशेंट जो हाइपर सेंसिटिविटी शो कर सकता है. ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि पेडियाट्रिक पेशेंट्स प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन के अंदर नहीं देंगे, ये प्रेगनेंसी में भी नहीं देते और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को भी नहीं देते. कुछ ड्रग्स हैं सेफ होती हैं और कुछ जो होती है वो प्रेगनेंसी के लिए देते हैं. और थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर होता है जो सम ऑफ सेफ होता है, फर्स्ट और थर्ड इतना सेफ ट्राइमेस्टर नहीं होता. अच्छा, ये एक चार्ट है, ये वाला चार्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि याद कर ले, इसमें डोजेस को छोड़ दें. ये जो नॉलॉक्सासीन यूटीआई और बैक्टीरियल डायरिया में देंगे, सिप्रोफ्लॉक्सासीन देंगे टाइफाइड यूटीआई के अंदर, गनोरिया के अंदर, बैक्टीरियल डायरिया के अंदर. उसके अलावा ओफ्लॉक्सासीन जो है ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रेसी, एटिपिकल निमोनिया, क्लैमिडिया जो सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज है, क्लैमिडिया इन्फेक्शन बैक्टीरिया से होता है. लेवोफ्लॉक्सासीन कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में देंगे, ब्रोंकाइटिस के अंदर देंगे, यूटीआई इन्फेक्शन, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, ये सारे रटे हैं, ये अच्छी तरह से याद कर लें.
मोस्टली फ्लॉक्सेसी टेबिलिटी क्वालिटी बुडिया टेबिलिटी क्वालिटी बुडिया भी ये दोनों डर्स दे सकते हैं, ये दो और तीन दे सकते हैं। क्वेश्चन अभी तक इसके अंदर कोई हो ये आप जो डेटा लाएंगे फिर आप बस याद कर दिए टेंसली का क्या फैक्टर है, उसका मैकेनिज्म क्या है, सिफेलोस्पोरिक का क्या है, टेंसली का किसी को याद है पिछले लेक्चर में? पेंसिली जो है वो सेल वॉल के ऊपर अफेक्ट कर रही थी, पेंसिली ड्रग्स जो थी बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर, माइकोप्लाज्म नेबुडी वो बैक्टीरिया जिसके सेल वॉल के ऊपर सेल वॉल नहीं होती सेल मेम्ब्रेन होती है, तो इसमें अगर आप माइकोप्लाज्मा नेबुडिया हुआ है, अगर आपको एक सिनेरियो दे दिया कि एक पेशेंट है ना पेशेंट है और उसके अंदर निमोनिया हो गया उसका पास माइकोप्लाज्मा नेबुडी है, तो उसमें आप कौन सी ड्रग नहीं देंगे? तो पेंसिलिन ड्रग नहीं देंगे क्योंकि पेंसिलिन सेल वॉल के ऊपर अफेक्ट करती है, अभी वो बैक्टीरिया वाले जिसकी सेल वॉल ही नहीं होती, तो अगर पेंसिलिन दे देंगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है। कि अगला आप दे आर टू मैक्रोलाइड्स, द मैक्रोलाइड्स आर अ ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स विद अ मैक्रोसाइलिक लैक्टोन स्ट्रक्चर टू विच वन और मोर डीऑक्सी शुगर्स आर अटैच्ड। ठीक है, इसमें जो मेंबर्स है ये एक इसका जो लैक्टोन स्ट्रक्चर है मैक्रोसाइलिक साइक्लिक लैक्टोन स्ट्रक्चर है जिसके साथ शुगर ग्रुप अटैच है, ये नेचुरल है, और अगर इसमें नाइट्रोजन एटम ऐड कर दिया गया तो सेमी सिंथेटिक ड्रग्स बनानी शुरू हो गए हैं जो कि ज्यादा इफेक्टिव है। कुछ बैक्टीरिया जो नेचुरली ऑकरिंग मैक्रोलाइड्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो कर रहे थे तो अब सेमी सिंथेटिकली ड्रग्स प्रिपेयर की जा रही है। इसमें एरिथ्रोमाइसिन इसी ग्रुप का मेंबर है मैक्रोलाइड्स का, क्लेरिथ्रोमाइसिन एजिथ्रोमाइसिन टेनिथ्रोमाइसिन, माइसिन माइसिन जो लग रहे हैं वो सारे मैक्रोलाइड्स के एक्सेप्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड जेंटामाइसिन। अगर किसी को याद हो स्ट्रेप्टोमाइसिन किस ग्रुप की ड्रग थी? अब ये चीजें आप लोग पढ़ लें, स्ट्रेप्टोमाइसिन आपकी पिछली साइड में देखे हेमाटोग्लाइकोसाइट्स की ग्रुप की मेंबर है स्ट्रेप्टोमाइसिन और जेंटामाइसिन, मेरे ख्याल में आगे दिया हुआ भी है। अच्छा, एरिथ्रोमाइसिन अल्टरनेटिव जिनको पेंसिलिन हाइपर सेंसिटिविटी है जो पेंसिलिन से सेंसिटिव होते हैं उन ड्रग्स पेंसिलिन को अवॉइड करते हैं, ये लैक्टम ड्रग्स जो भी है पेंसिलिन से सेफेलोस्पोरिन उनकी बजाय हम एरिथ्रोमाइसिन ले देते हैं मैक्रोलाइड ग्रुप की। एरिथ्रोमाइसिन एजिथ्रोमाइसिन इसकी एग्जाम्पल्स है और एरिथ्रोमाइसिन ये सभी सिंथेटिकली प्रिपेयर की जा रही है और ये स्पेशल जो ड्रग है उसके अंदर नाइट्रोजन एटम ऐड किया जा रहा है तो ये सभी सिंथेटिकली प्रिपेयर हो रही है। मैक्रोलाइड्स एक और ग्रुप है क्लिंडामाइसिन, ये अलग ग्रुप है, सम ऑफ कुछ लोग इसको मैक्रोलाइड्स के अंदर ही शामिल कर लेते हैं। क्लिंडामाइसिन और मैक्रोलाइड दोनों 50S राइबोसोमल सबयूनिट के ऊपर इफेक्ट करेंगी एंड इंटरफेस विद बाइंडिंग विद अमाइनो एसिड एसाइल ट्रांसवर्स आरएनए। आपको पता है आरएनए तीन तरह के थे, उसमें जो ट्रांसपोर्ट आरएनए था ट्रांसफर आरएनए उसके कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करके सो इनहिबिट पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, जो बैक्टीरिया था राइबोसोम उसके बैक्टीरिया के राइबोसोम को मैं दो सब यूनिट्स में डिवाइड किया था 30 सब यूनिट में और 50 सब यूनिट में। 30 की जो दर थी वो 80 एक्ट मैंने आपको कहा था याद कर लो, जितने भी अमाइनो ग्लाइकोसाइड ड्रग्स हैं और जो टेट्रासाइक्लिन है वो 30 सब यूनिट के ऊपर अफेक्ट करती है और जो 50S राइबोसोमल सब यूनिट के ऊपर अफेक्ट करेंगी वो बाकी ड्रग्स होंगे जिसको आप सेल याद कर लो CELL सेल, यानी E फॉर एरिथ्रोमाइसिन, सी फॉर क्लोरोफेनिकोल, क्लिंडामाइसिन, L फॉर लेजोनेलोन ग्रुप है, ये क्लिंडामाइसिन का ग्रुप है जिनको नाम दिया गया, ये आगे चार दिखाया तो वो सारी 50S राइबोसोमल सब यूनिट के ऊपर अफेक्ट करेंगी। जितने भी पेशेंट है पेंसिलिन से एलर्जी के उनके अगेंस्ट हम मैक्रोलाइड्स यूज कर लेते हैं। वर्क बेस्ट अगेंस्ट स्टैफिलोकोकस बैक्टीरियोसिस एंड एनएरोब्स, पेंसिलिन एलर्जिक पेशेंट्स के लिए भी ये हेल्पफुल ड्रग्स क्लिंडामाइसिन एरिथ्रोमाइसिन, ये दोनों इकट्ठी बताएंगे कि दोनों 50S राइबोसोमल सब यूनिट ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का राइबोसोम बताया हुआ है उसको जो 50S है उसके ऊपर दोनों अफेक्ट कर रही है, ट्रांसलोकेशन नहीं होने दे रही उसकी, इस वजह से ट्रांसलोकेशन नहीं हो रही उसकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रही, बैक्टीरिया को प्रोटीन अपनी बनाने दे रहा, प्रोटीन की ना बनने की वजह से
बैक्टीरिया जो है वो उसकी जो है ना रेप्लिकेशन हो रही है और ना वो जो है वो डिवाइड हो रहा है। अब ये रेजिस्टेंस बिल्कुल उसी तरह शो करेगा। The staphylococci in hospital isolates a resistance to this drug. Resistance are कुछ staphylococcus bacteria जो अगर जैसे आपको पता है staphylococcus अगर आप खाओ बहुत ही common bacteria है, इस पर बहुत सारे infection कॉज करते हैं staphylococcus, impetigo वगैरह करते हैं, बहुत सारे infections करते हैं, तो वो स्टैफिलोकोकस जो है वो रेजिस्टेंस शो कर रहा है इसके अगेंस्ट। और कैसे करेगा, द इनएबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू टेक अप द एंटीबायोटिक, एक तो एंटीबायोटिक को वो आने नहीं दे रहा और देयर प्रेजेंस ऑफ एन एफ्लक्स पंप, वही सारी बात है कि एफ्लक्स पंप को के थ्रू वो एफ्लक्स पंप को म्यूटेट कर लेगा, अपने आप को चेंज कर लेगा ताकि इसके अंदर जो भी मैक्रोलाइट का जो पाथवे था जिसके थ्रू वो आ रहा है वो ना आ सके। बोथ ऑफ विच लिमिट द अमाउंट ऑफ इंट्रा सेलुलर ड्रग, डिक्रीज एफिनिटी ऑफ द 50S राइबोसोमल सब यूनिट, उसको भी एंटीबायोटिक को वहां पर जाकर अपना इफेक्ट नहीं दिखाने दे रहा 50S राइबोसोमल यूनिट के ऊपर। प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड एसोसिएटेड एरिथ्रोमाइसिन एस्ट्रेस एंजाइम में बैक्टीरिया का जो एरिथ्रोमाइसिन की बैक्टीरिया के ऊपर प्लाज्मिड स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जीन होती है एरिथ्रोमाइसिन एस्ट्रेस एंजाइम की और उसकी वजह से एरिथ्रोमाइसिन को वो इफेक्टिव नहीं नजर आ। जैसे आपको याद होगा पेंसिलिन जो है वो लेक्टम रिंग ड्रग्स है और लैक्टमेज एंजाइम बैक्टीरिया का है जो लेक्टम की बाइंडिंग नहीं होने देता, ठीक है, लेक्टम ड्रग्स की बाइंडिंग बैक्टीरिया के ऊपर नहीं होने दे रहा लैक्टमेज। तो इसी तरह ये भी एरिथ्रोमाइसिन एस्ट्रेज एंजाइम है जो एरिथ्रोमाइसिन को बाइंड नहीं होने दे रहा, उसको इफेक्ट नहीं दिखाने दे रहा बैक्टीरिया के साथ। Both clarithromycin and erythromycin shows cross resistance with erythromycin, but clarithromycin can be effective. अब clarithromycin semi synthetically prepared है, तो इसलिए थोड़ी सी resistance जो stage या bacteria के जो के बाकी drugs जिन पर कोई असर नहीं दिखा रहे तो clarithromycin हम use करके उस bacteria का killing कर रहे हैं। ये एडवर्स इफेक्ट्स आर यूजिंग है, ये दो एडवांस्ड स्लाइड्स है। स्ट्रेप्टोकोकल इंफेक्शन, माइकोप्लाज्मा इंफेक्शन, लिस्टेरिया इंफेक्शन, ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल इंफेक्शन, सिंपली आप इसको स्ट्रेप्टोकोकल इंफेक्शन कह रहे हैं। अगर आपने वो हिमोलाइसिस की क्लासिफिकेशन पढ़ी हो स्ट्रेप्टोकोकल डस्टी बैक्टीरिया की स्ट्रेप्टोकोकस, बीटा हिमोलिटिक को आइडिया है इसका? ये हिमोलाइसिस के उसमें क्लासिफिकेशन होती है ये मैक्रोबायोलॉजी में। तो बहरहाल सारी जो ड्रग्स है मैक्रोलाइट्स वो आपको पूछा जा सकता है कि किस इन्फेक्शन के अगेंस्ट इन्फेक्टिव है, तो स्ट्रेप्टोकोकस, माइकोप्लाज्मा, लिस्टेरिया। वैसे ज्यादातर आपको मैंने पूछूंगी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादातर आपको यूजेस कॉमन यूजेस बताने चाहिए। एडवर्स इफेक्ट, हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, जी आई टी डिस्टर्बेंस, नोजिया, वॉमिटिंग, सुडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस, सीएनएस के अंदर कंफ्यूजन, एबनॉर्मल थिंकिंग, अनकंट्रोल्ड इमोशंस, ये इसके एडवर्स इफेक्ट है ड्रग के। ये एक चार्ट है पूरी समरी जितनी आपने ड्रग्स पढ़ी मुझे मिला था और इसके अलावा भी मैं कुछ अपलोड कर दूंगी ताकि निमोनिक्स, ये निमोनिक्स होते हैं कि ये लाइन याद करनी तो इनसे बैक्टीरिया और उनके आगे देखे स्ट्रेप्टोमाइसिन अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, जेंटामाइसिन अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के ग्रुप है, सिफेलोस्पोरिन वाला मैंने शेयर किया है। तो क्लासिफिकेशन में आपको थोड़ी थोड़ी ड्रग्स जो है वो पता होनी चाहिए ताकि अगर कभी आपको कोई ड्रग दे दी जाए उसका कोई सॉल्ट हो आपको याद हो कि हमने पढ़ी थी, किसमें पढ़ी थी ये आपको उस वक्त याद अगर होगा कि नहीं। किसी का कोई क्वेश्चन? ये जो चार्ट टेबल है ये आपको सारी पिछली ड्रग्स जितनी पढ़ाई गई है उनका है, ठीक है, थोड़ी सी एफर्ट करके देख लीजिएगा। इसमें सिर्फ एक ड्रग आपको नहीं पढ़ाई गई जो कार्बोपेनिन है, ये छोड़ दीजिएगा इसके अंदर से, सेकंड लास्ट है, बाकी आप सारी इसमें याद कर लीजिएगा। और निमोनिक्स में
भी प्राचार्य क्योंकि रखने वाली चीजें, कोई डर अगर किसी का कोई मैकेनिज्म नहीं आ रहा या किसी का कोई यूज या एडवर्स इफेक्ट अवश्य आ रही तो आप पूछ ले लीजिए था, या फिर आप उसको जो है ना गूगल करके देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी का मैम आप क्वेश्चन काइंडली रिपीट कर दें जो आपने कहा था कि आप बारवा में आगे क्वेश्चन पूछेंगे। एडवर्स इफेक्ट्स, यूजेस, मैकेनिज्म्स और उनकी क्लासिफिकेशन, आपके मोटे मोटे दो तीन नाम आने चाहिए। क्योंकि ये ग्रुप है तो मैं कहूंगी कि जी सिप्रोटॉक्सिन कौन से ग्रुप से, तो आपको पता चलना चाहिए कि फ्लोरोफिनोलोन से। ठीक है, छोटे छोटे ये सारी टाइप। थैंक यू। अगर आप इनको बहुत अच्छी तरह से कर ले तो दैट्स मोर देन इनफ। ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने कोशिश की है कुछ इनमें एडवर्स इफेक्ट्स और यूजेस सारी डाल दिए ताकि आपको बुक आप लोग करते ना बुक फिर बार बार नहीं आप कर सकते ना, तो स्लाइड्स अच्छी तरह कोशिश करना करें कि पढ़ लें बार बार के लिए। ठीक है जी मैम, असेसमेंट प्लान का काइंडली बता दें। क्या चीज प्लानिंग का प्लान बता दें, परसेंटेज बता दें हर शेयर कर दूंगी। अगर तो वाइवा की ज्यादा परसेंटेज हुई और वो हुआ के, क्योंकि मैंने जब मैं प्लान बनाया था ना मैंने वाइवा का 10% रखी थी, तो अब मैंने सुना है कि वाइवा की परसेंटेज दे दी कि इससे कम नहीं होना चाहिए। वाइवा की जो परसेंटेज होती है वो 20 या 20 से अबव होती है, उससे डाउन नहीं होती। तो मैम आप जो हमारा कह रही थी ना कि सुबह हमारे सेक्शन में कह रही थी कि उसकी सेकंड क्विज लेंगी आप, तो मैम उसकी बजाय आप वाइवा की जो सेकंड वाइवा की सेकंड क्विज की परसेंटेज जो आपने लेनी है उसकी आप वो वाइवा में डाल दें तो हमारा वो कंपनसेट हो जाएगा। क्योंकि मैम हम लोग वाइवा की भी अब तैयारी करें, क्विज की भी करें, इस तरह तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। नहीं मैम, काइंडली जो आपने पहले डिसाइड किया है उसी को हम परसू करेंगे इंशाल्लाह। कंफर्म बता दूंगी कि अगर क्या वैसा टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्योंकि पहले भी मैंने तो जब चिखाया था लोगों के देखे असेसमेंट प्लान में 10% भी रखे हुए थे, तो मैंने भी उसी तरह की वो दिखा दिया। अब मैं पूछ लूंगी, कंफर्म कर लूंगी कि क्या ऐसा है कि 20-25% होती है। ठीक है, आपको मंडे को मैं जरूर बता दूंगी, मंडे को मैं अपलोड कर दूंगी। हमारी जो असाइनमेंट्स है वो आपने कितने परसेंटेज की रखी है? मैंने आपकी एक असाइनमेंट ली थी वो 10% थी। ओके मैम, आपका 5% था असाइनमेंट जो थी वो 10% थी, फिर आपका एक जो सेंड अप हुआ है मिड टर्म जो हुआ 20% हुई थी। ठीक है, अब वाइवा रह गए, दो क्विज रह गए, ठीक प्रेजेंटेशन में नहीं मेरी, क्योंकि फिर आपकी परसेंटेज कहीं से निकल के नहीं है। अब जो आपका उसकी बात को कंफर्म करके मंडे को बता दूंगी, अगर वाइवा की परसेंटेज ज्यादा है तो फिर आपका माइनोग्लाइकोसाइड नहीं होगा टेस्ट किए, जो सारी एंटीबायोटिक्स जिसमें टेट्रासाइक्लिन माइनोग्लाइकोसाइड आज के सारे, वो फिर आप वाइवा के लिए अच्छा सा प्रिपेयर करें। ओके मैम, मैम जो आप सेकंड क्विज ले रही थी आप प्रेजेंटेशन की जगह ले रही थी ना? नहीं, सेकंड क्विज में ले रही थी, प्रेजेंटेशन के अलग 5% रखे हुए थे, और वो प्रेजेंटेशन तो क्योंकि टाइम ही स्टूडेंट्स ने कहा कि हमारे पास या तो हम शुरू से ही प्रेजेंटेशन देते हैं, और मुझे भी उसका कोई फायदा नहीं मिलता क्योंकि लाइव तो होनी नहीं है वो। अब आपके बस ना सुनने में आ रहे सब फिर बंद होते हैं, आजकल कोरोना फिर फैल रहा है तो अब पता ही यहाँ बंद होंगे क्या होगा, इसलिए वो मुझे फायदा कोई नहीं लग रहा है आपके कुछ सुनने का रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशन का, तो उसको या तो मैं कहीं परसेंटेज को कंपनसेट करके आपको दे दूंगी उसके मार्क्स। ठीक है, ओके मैम। मैम आपसे लास्ट में पूछना चाहूंगी कि मिड का आपने कितनी परसेंटेज बताई है, दोबारा बता दें किसकी? मैम मिड की, मिड की 20% है। ओके, मैंने उसको कर सकती क्योंकि वो उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा था कि 20 होनी चाहिए। ठीक है, अब कुछ इन्होंने कंपल्जेंस कर दें कि इतनी परसेंटेज होनी चाहिए। आप वाइवा बहुत अच्छी तरह तैयार करें, आप वाइवा में नंबर ले सकते हैं जिनके क्विज या मिड टर्म में कम है। ठीक है, वाइवा में अच्छा देंगे खुले नंबर मिल जाएंगे, जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा आपको नंबर मिल जाएंगे, तो इसको अगर आप थोड़ा सा अच्छा पढ़े बुक से पढ़े अगर टाइम मिल जाए आपके पास। ठीक है, चलो थैंक यू जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।